हेलो फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है ब्रेकफास्ट के समय हमें समझ नहीं आता क्या बनाएं, क्या नया बनाएं, कुछ ऐसा बना लें जो जल्दी तो बनी जाए, साथ ही बच्चों को पसंद आ जाए और ऑफ कोर्स हेल्दी भी हो और साथ में ऐसा भी टाइम भी बचाते हैं हमारा बनाने में। तो ये सब कोर्स इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो है एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की जो बहुत जल्दी बनने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभा कपिल अपने चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो देखिए, अब देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इनके इंग्रेडिएंट्स में मेन तो है ये आलू। ये लगभग 2-3 मैंने आलू लिए हैं, इनको मैंने उबाला, ठंडा किया और कद्दूकस कर लिया। इसको हम मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मैश करने में क्या होगा, ये इसके पीसेस बड़े रह सकते हैं जो हमें नहीं चाहिए। हमें ये थोड़े स्मूथ बनाना है, इसलिए हमने इसको कद्दूकस कर लिया। साथ में लिए हमने ये लगभग 4 चम्मच मक्की का आटा, थोड़ा सा लगभग 2 चम्मच है ये कद्दूकस किया हुआ पनीर, ये थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, ये थोड़ा सा घी चाहिए, घी आवश्यकता के अनुसार जितना हमें जरूरत पड़ेगी उतना हम लगा लेंगे। ये घी हो गया, ये सब तो हमारे हो गए मेन सॉलिड इंग्रेडिएंट्स। और ये साथ में हमारे ड्राई स्पाइसेस, जो मेन हमारे नॉर्मल स्पाइसेस होते हैं, धनिया, जीरा, हल्दी, नमक, मिर्च, ये गरम मसाला और ये अमचूर मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला और ये भुना हुआ जीरा पिसा हुआ, ये सब इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए अपने इस हेल्दी ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले लेंगे अपने आलू। और ये अपना हम ये जो हमारा मक्की का आटा। अच्छा फ्रेंड्स, मक्की के आटे की जगह आप ये ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं और जो कॉर्नफ्लोर मार्केट में आता है नॉर्मल वो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें बाइंडिंग के लिए जरूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए मैं डाला। साथ में ये पनीर भी डालेंगे इसमें। अच्छा, अब इसमें हम अपने ड्राई स्पाइसेस जो जरूरी जरूरी होते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, नमक डालिए, मिर्च, इसमें आप कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, गरम मसाला, अमचूर मसाला, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर, ये जरूर डालिए, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और साथ ही हमारा ये गरम मसाला, अमचूर और ये चाट मसाला। अब हम इस और साथ में ये हरा धनिया। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, इनको अच्छे से मिक्स करके फिर अगला प्रोसेस में बढ़ेंगे। तो आइए इसको मिक्स करते हैं। देखिए, हमने मिक्स कर लिया, क्योंकि इसके अंदर मक्की का आटा है तो थोड़ा सा अपने आप ही लिक्विड होना थोड़ा शुरू हो जाएगा। ये देखिए, थोड़ा सा इसकी लिक्विड कंसिस्टेंसी थोड़ी थोड़ी होनी शुरू हो गई, हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी की चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक पैन लिया हमने, नॉनस्टिक पैन लिया, इसको हमने गैस पे रख दिया, इसको थोड़ा सा गर्म किया, गर्म हो गया ये। अब इसमें हम डालेंगे घी अपना, अच्छे से घी लगाएंगे चावल। अब ग्रीस करने के बाद हम इसमें ये अपना मिक्सचर स्प्रेड करेंगे। गैस फ्लेम थोड़ा अभी हम लो रखेंगे। इसको किसी स्पैचुला से स्प्रेड कर लेना है। गैस फ्लेम हमने मीडियम लो रखी हुई है और अब उसको हम अच्छे से स्प्रेड करने के बाद गैस की फ्लेम हम थोड़ी मीडियम कर लेंगे।
अब हम इसके जो कॉर्नर्स हैं थोड़े से इसे स्मूथ कर लेंगे, थोड़ा सा इवन कर लेंगे इसको ऐसे। अगर आप इसमें ज्यादा ऑयल पसंद कर सकते हैं तो ज्यादा ऑयल भी डाल सकते हैं। और अब हम इसको गैस फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसको अच्छे से बनने की वेट करेंगे थोड़ी देर। हमने थोड़ा थोड़ा सा घी चारों तरफ से डाल दिया है, उससे क्या हुआ ये लगेगा नहीं और इसको बनने में आसानी रहेगी और इसका टेक्सचर भी अच्छा हो जाएगा। अब इसको थोड़ी, अब गैस को थोड़ी से और कम कर देते हैं, लो कर देते हैं और इसको बनने देते हैं। देखिए ये हमारा बनना शुरू हो गया। इसकी पहचान है कि ये अलग होने लगा और साइड के किनारे इसके सिक गए। इतने से सिक गया है, अब हमें इसे पलटना है जो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। एक्चुअली क्या है, इसको पलटने की कोशिश हम करेंगे। यदि पूरा पलट गया, सीधा कट गया पूरा बिना टूटे तो कोई बात नहीं, और अगर ये टूट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसको वेजेस भी काटना है हमें। तो आइए इसको पलटते हैं किसी शार्प अपने स्पैचुला की हेल्प से। देखिए ये पलट गया है, हालांकि कहीं कहीं से थोड़ा सा टूट गया है लेकिन कोई बात नहीं, अभी सिक जाएगा, थोड़ा जूट जाएगा, ये चिपक जाएगा थोड़ा सा, और वरना इसको अभी और सेक लेंगे तो सेकने से इसके अंदर करारापन आ जाएगा, क्रिस्पीनेस आ जाएगी। अब थोड़ी सी गैस को हम तेज कर लेते हैं और इसको इधर से भी सेक लेते हैं। अब उसे अच्छे से इस तरह से दोनों तरफ से सेक लेना है। थोड़ा सा हम घी लगा देते हैं साइड में, वैसे जरूरत तो है नहीं क्योंकि ये नॉनस्टिक पैन है हमारा, टेस्ट अच्छा जाएगा, टेस्ट अच्छा लगेगा। यदि आप घी अवॉइड करना चाहें, ज्यादा घी ना डालना चाहें तो कोई बात नहीं है, लेकिन नॉनस्टिक पैन पे बनाएंगे तो बेटर होगा ये। अब हम इस तरह से इसको सिक दे देंगे दोनों तरफ। अब देखिए जैसे सिकना शुरू हो गया ये, अब इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकना है। अब इसको सिक गया इधर से तो अब इसे एक बार पिज्जा पलट देते हैं और इसको क्रिस्प होने देते हैं। देखिए इधर से पलट दिया है, अब ये सिकना शुरू हो गया है। बस ऐसे बारी बारी से एक या दो बार उसको पलटना पड़ेगा और इसको फिर हम निकाल लेंगे बनाने के बाद। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा डिलीशियस सा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। गैस हमने ऑफ कर दी और इसको हम ट्रांसफर करते हैं प्लेट में ऐसे बहुत आराम से। इस पे अब हम ये अपना कटा हुआ चीज पनीर डालेंगे सर्व करने से पहले, चाहे तो ना डालें जैसे आपको पसंद हो। अब इसको अपनी फेवरेट सॉस के साथ या दही के साथ जैसे पसंद हो खाइए और खिलाइए। ये इस डिश की खास बात ये है कि ये जल्दी बन जाती है, झटपट बन जाती है और बच्चों को पसंद आने वाली है, और ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन इसके अंदर काफी अच्छे हैं और ये हेल्दी है। इसको आप ट्राई कीजिए, बनाइए, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। एंड फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।